फेस्टिव सीजन में देश में क्या नहीं बिकता, गाड़ियां बिकती हैं, घर बिकते हैं, मोबाइल समेत तमाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकते हैं। देश में साल भर में होने वाली कुल बिक्री का 30 से 40 फीसदी सामान त्योहारों के दौरान बिकता है। इस बार तो हर सामान की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। कुछ इसी तरह सोने की बिक्री भी इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद घटी कीमतों ने जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन पॉलिश के अंदर 27.74 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 153.98% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लेटिनियम ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड अमेरिका के अंदर होने के कारण 234.84% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेडेड गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा 64.42% और लेब्रोन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है, 71% का ग्रोथ अभी दिखने को मिल रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन त्योहारों के सिलसिले के बीच धनतेरस सोने की खरीदारी का सबसे बड़ा दिन है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक धनतेरस में सोना पिछले 40 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। IBJA के मुताबिक दशहरे में सोने की बिक्री 20 साल में सबसे ज्यादा रही है। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक पिछली धनतेरस पर 40 टन सोने की बिक्री हुई थी, जो 2019 से करीब 30% ज्यादा थी। 40 टन सोने की कीमत 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि 2019 में बिके सोने की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस साल शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जोरदार बिक्री होगी। बिक्री के बढ़ने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन के दौरान घर में रहने पर हुई बचत भी है। काफी लोग बीते 1.5 साल से घरों में रह रहे हैं और देश या विदेश में कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा इस दौरान लोग आयोजनों से भी दूर रहे हैं, रेस्टोरेंट और आउटिंग जाना भी काफी हद तक बंद रहा है। ऐसे में शादी ब्याह और पारंपरिक बिक्री के साथ ही इस बचे पैसे से भी लोग सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए गोल्ड की खरीदारी करेंगे। आदित्य के राणा आज तक।